कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है, किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। आत्मा में छिपा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में परिपक्वता आने पर आपको अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान में मैं आत्मा हूँ तो मैं सुपीरियर नहीं, जैसा मैं आत्मा हूँ वैसे हर जीव में वैसी ही आत्मा है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। जीव मिथ्यात्व में क्या करता है कि अपने आप को तो ऊंचा मानता है और दूसरे को क्या मानता है, नीचा मानता है। अपनी किसी विशेषता के आधार पर, शरीर के व्यक्तित्व के आधार पर अपने आप को सुपीरियर मानता है, दूसरों को हीन मानता है। यहीं से भेद शुरू हो जाता है, यहीं से संसार शुरू हो जाता है, यहीं से राग और द्वेष का बंधन शुरू हो जाता है। जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे वो किसी भी गति का जीव है, चाहे वो वर्तमान में किसी भी स्थिति में है, निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक, सभी जीवों में एक समान आत्मा है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। अस्तित्व की दृष्टि से हम सभी समान हैं। ये बोध अगर आपको दिन भर बना रहे, 24 घंटे बना रहे, तो आपको अनंत ज्ञान का गुण आपका खुलता चला जाएगा। अनंत ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको 32 शास्त्र याद हैं, थोकड़े याद हैं, दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तत्व बोध करा रहे हैं, लेकिन अपने को सुपीरियर और नीचे को हीन, दूसरे को हीन मानते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को नीचा मानते हैं और उसको लेकर के राग और द्वेष करते हैं, तो आपको अनंत ज्ञान बंद खुल नहीं रहा है, बल्कि ऊपर आवरण आ रहे हैं। किसके आवरण आ रहे हैं? राग और द्वेष के कारण कर्म का बंधन हो रहा है। अनंत ज्ञान खोलने का सरल तरीका, जब जब भी किसी जीव के अंदर में भेद होने लगे, उसको लेकर के राग द्वेष होने लगे, तो याद कर लेना सो हम। सो यानि वो, हम यानि मैं और वो दोनों कैसे हैं? कैसे दोनों एक जैसे हैं, समान हैं। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं और वो हीन नहीं है। ये आत्मदृष्टि जितनी आपकी परिपक्व हो जाएगी, आपका अनंत ज्ञान खुलेगा। और इस अनंत ज्ञान में प्रवेश करने के लिए पहले जरूरत है संकित की। संकित आएगी तभी आपको आत्मा दिखेगी, अन्यथा तो आपको पुद्गल ही दिखेंगे। और पुद्गल के आधार पर कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई होशियार है, कोई बुद्धू है, कोई बुद्धिमान है, कोई भोला है ना। इस तरह से हम उसके भेद प्रभेद कर करके अपने कर्म का बंधन कर जाते हैं। इसलिए कर्म दृष्टि सब में कर्म देखता है, आत्मदृष्टि सब में आत्मा देखता है। आत्मदृष्टि को कोई कर्म का बंधन नहीं करता। इसलिए आया हमारे आचारांग में, संबंध दृष्टि न करे ही पावगम। सम्यक दृष्टि, आत्मदृष्टि वाला कोई पाप कर्म नहीं करता। पाप कर्म कब होते हैं? जब आप मिथ्यात्म में होते हैं, विभाव में होते हैं, बेहोशी में होते हैं, तब पाप और पुण्य के कर्म बंद होते हैं। लेकिन जब आप होश में रहते हैं, सब में आत्मा के दर्शन करते हैं, स्वभाव में रहते हैं, तो ना आपको पुण्य का बंधन है, ना आपको पाप का बंधन है। फिर क्या है यहाँ? आप किस लिए आते हैं? पुण्य बांधने आते हैं कि लिए पाप बांधने के लिए आते हैं? शिवाचार्य समर्थन में क्यों आते? पुण्य बढ़ाने, पाप घटाने? नहीं, न पुण्य बढ़ाने न पाप घटाने, तीसरा काम के लिए आते। कौन सा काम है वो?
आत्मदृष्टि पा करके मोक्ष पाने के लिए, यानी कर्म निर्जरा के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? एक है कर्म का बंधन, चाहे वो पुण्य करे चाहे पाप करे, एक है कर्म की निर्जरा। पूर्व में अज्ञान दशा में बेहोशी में जो कर्म बांधे हैं उसको यहाँ पर हम सम्यक्त्व में आकर के होश पूर्वक शुभाशुभ से ऊपर उठ करके संवर और निर्जरा के द्वारा कर्म क्या करें? क्षय करें। आश्रव कर्म आने का रास्ता, उसमें पहला मिथ्यात्व, और संवर कर्म निर्जरा का रास्ता, कर्म आने के रास्ते बंद करने का पहला द्वार वो कौन सा है? सम्यक्त्व। इधर मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के सामने संवर में कौन सा आएगा? सम्यक। अव्रत व्रत, इधर अव्रत है खुला, तो इधर हम व्रत पचकान चाहे श्रावक के चाहे साधु के, लेकिन मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा यात्रा शुरू नहीं होगी। अनादि काल से हम किस में भटक रहे हैं? मिथ्यात्व में भटक रहे हैं। सम्यक्त्व में आते ही आपकी यात्रा क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, वितरागता की ओर बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। आप और हम सभी आत्मा से परमात्मा बनने के लिए संवर और निर्जरा की साधना के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं, जिससे हमारे पुराने कर्म तो क्षय हो और नया कर्म का बंधन, नया कर्म बंधन रोकने का तरीका क्या है? नया कर्म का बंधन न हो इसके लिए तरीका क्या है? कि सब में आत्मा के दर्शन करो। जिन जिन लोगों के साथ रह रहे हो, आप विवाह में किन के कारण जाते हो? जो आपके साथ 5-10 लोग रह रहे हैं उन्हीं को लेकर के, जो आपके मन के अनुकूल नहीं चलता है, जो आप चाहते हो जो नहीं करता है, जो आप आपके मन के अनुसार घर में नहीं होता है, तो आप किस में जाते हो? विवाह में जाते हो। जैसे विवाह में गए तो क्या होगा? कर्म का बंधन होगा। लेकिन कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में मैं आत्मा हूँ और वो भी आत्मा है। मैं किसी भी निमित्त को बना करके विभाव में नहीं जाऊंगा, मैं स्वभाव में रहूंगा। क्योंकि जो भी घटनाएं मेरे आसपास में घटित हो रही है, जो भी मेरे आसपास में हो रहा है, उसका मूल कारण कौन है? सामने वाला या आप खुद? अगर आप जब तक सामने वाले को निमित्त बनाओगे कि ये इसके कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई है, इसके कारण मेरे जिंदगी में ऐसा हो रहा है, इसके कारण मेरे घर में ऐसा हो रहा है, इसके कारण मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, इसके कारण मेरे दुकान में ऐसा हो रहा है, तब तक आप मिथ्यात्व में जी रहे हो, आपकी वितराग यात्रा ही शुरू नहीं हुई। और उसको लेकर के आर्त और रौद्र ध्यान करते जाओगे और वो कभी बदलेगा नहीं, और आप जिंदगी भर दोष देते हुए अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय मनुष्य जीवन आर्त और रौद्र ध्यान में खो दोगे। इसके विपरीत क्या करना है? जो कुछ हो रहा है आज, जो भी आपके साथ हुआ है, हो रहा है, होने वाला है, उसका मूल कारण कौन? मैं खुद हूं। मेरा ही मिथ्यात्व, मेरा ही अज्ञान, मेरी ही बेहोशी, जो मैंने पूर्व में मिथ्यात्व में मोह में अज्ञान में कर्म बांधे हैं, उसके अनुसार आज मुझे ये शरीर मिला, ये परिवार मिला, ये रिश्तेदार मिले, ये दुकान मिली, ये लोग मिले, ये संप्रदाय मिला, ये गुरु मिले। सब हमने पहले बीज बोए थे, उसके अनुसार हमको यहाँ पे मिल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आगे जो मिलेगा वो मेरे ही बीज का फल होगा। आज जो मैं बीज डाल रहा हूँ उसका परिणाम आने वाले समय में मुझे चाहे इसी जीवन में मिले चाहे अगले जीवन में मिले, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा भविष्य कोई और नहीं बना रहा है, मेरा अगला जन्म कोई दूसरा पड़ोसी और मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या मेरे गुरु नहीं बनाएंगे। उन सब के लिए जिम्मेदार कौन हूँ? मैं खुद ही हूँ। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करोगे, जब तक अपने कारण को, मूल कारण को आप नहीं पहचानोगे, तब तक आपका मोक्ष मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मोक्ष मार्ग है जिसमें मूल कारण को पकड़ना है और कारण का निवारण करना है। जब तक कारण है तब तक कार्य होता रहेगा। कारण को ही जड़ से निकाल देना है, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है। कर्म कर्म है, जब तक कर्म है तब तक संसार है। मोक्ष का मतलब क्या है? कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। तत्वाश्रुति ने कहा किए हुए सारे कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो आपका मोक्ष हो जाता है। अक्षय होने के लिए क्या करना है? नया बंधन रोकना है। क्षय तो रोज करते हैं, 24 घंटे कर्म क्षय हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। भगवान कहते हैं हर समय आपके 8 कर्म उदय में आते हैं और जिनका काल परिपक्व हो गया वो उदय में आते हैं और क्षय हो जाते हैं। लेकिन मिथ्यात्ववश, अज्ञानवश, मोहवश
साथ के साथ नया बीज डाल देते हैं। जैसे भूमि वट वृक्ष के बीज आ रहे हैं, गिर रहे हैं, सड़क पे गिरते हैं तो वहीं पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन नीचे भूमि कच्ची भूमि है, जमीन तैयार है, तो ऊपर से बीज गिरता है और वापस एक नया वृक्ष खड़ा हो जाता है। फिर एक बीज गिरता है और वापस नया, पुराना खत्म होता है लेकिन साथ में नया। ऐसे हमने भी अपने मनोभूमि के ऊपर ऐसे अनंत कर्म बंधन कर रखे हैं। इसलिए आत्म ध्यान में आप अपनी मनोभूमि को क्या करते हो, चेक करते हो और वहां पे मन के स्तर पे जाके काम करते हो। काया से, काया की क्रिया कर्म बंधन अकेली नहीं कर पाती जब तक साथ में आप नहीं लगते। काया क्रिया करता है, जैसे हमारे यहाँ आगमों में दृष्टांत आता है, अगर आप पूरे होश पूर्वक चल रहे हो, विहार कर रहे हो और अचानक आपके पांव के नीचे कोई जीव आके हिंसा भी हो गई, तो वो हिंसा इतनी भारी नहीं है कि आपके मुक्ति का कारण में बाधक हो। आप उसकी आलोचना इच्छा कारण का पाठ करोगे, मुक्त हो जाओगे। लेकिन आप बेहोशी में चल रहे हो, आपको आत्मा का भान नहीं है, बेहोशी में चल रहे हो और उस समय में आप जान के पूरे विवेक से भी चल रहे हो, एक भी जीव की हिंसा नहीं कर रहे हो लेकिन बेहोशी में हो, तो आपके कर्म का बंधन हो रहा है। बेहोशी किसकी, आपको भान नहीं है कि मैं कौन हूं, आपको भान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बाह्य क्रिया तो कर रहे हो ना, बाह्य क्रिया तो पूरी कर रहे हो लेकिन अंदर में आत्मा का भान नहीं है, तो आपका कर्म का बंधन रुक नहीं सकता। कर्म बंधन को रोकने के लिए आपको अपने स्वभाव की साधना और सम्यक को पोषण करना होगा। सम्यक पोषण के, हमने सम्यक के सत्सर बोल के ऊपर चर्चा शुरू की थी कि सम्यक को, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए परमार्थ का ज्ञान करे, नव तत्व का बोध करे, परमार्थ में जानने की सेवा करे, कुतीर्थी से बचे और सम्यक का वमन किया है उसकी संगति न करे। इससे क्या होगा, आपकी श्रद्धा जमी रहेगी। अगर श्रद्धा गई तो नींव गई, नींव गई तो महल नीचे गिर जाएगा, आगे बढ़ने पड़ जाएगा। इसमें चाहे कोई श्रावक हो, चाहे साधु हो, चाहे अवृत्ति हो, चाहे वृत्ति हो, हरेक के लिए, प्रमादी हो या अप्रमादी हो, श्रद्धा सबके लिए फाउंडेशन है। केवल ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त करो तब तक के लिए आपकी श्रद्धा को मजबूत बनाए रखना अति आवश्यक है। और उसके बाद सम्यक को की बाह्य पहचान करने के लिए तीन बातें कही। आपकी अनुरक्ति कैसे होनी चाहिए, जिनवाणी के प्रति, आत्मा के प्रति ऐसी अनुरक्ति होनी चाहिए जैसे एक तरुण पुरुष को किसी और तरुणी को देख करके भाव जागते हैं वैसे। दूसरे में बताया, तीन दिन के भूखे को भोजन मिले मिष्ठान युक्त, जैसे अभी तेले का पारणा करके आए तो कैसे आदरपूर्वक रुचिपूर्वक करके आए, है ना, ऐसे रुचिपूर्वक क्या करना, जिनवाणी का पान करना, रुचिपूर्वक आत्मा में रुचि लेना। जितनी रुचि शरीर इंद्रियों और मन में ली है उससे भी ज़्यादा रुचि किसमें लेना है, आत्मा में रुचि लेने से क्या होगा, आपकी सम्यक बढ़ेगी। और तीसरा बताया, जैसे अनपढ़ व्यक्ति जिसको एक शब्द का ज्ञान नहीं है, अगर उसको कोई ज्ञान पढ़ाना वाला मिले तो उसको कितना आनंद का अनुभव, कितने आदर का भाव आता है। उसी प्रकार आपको वितराग ज्ञान जब भी आपको कहीं से मिले, आत्मज्ञान के लिए कोई ऐसा गुरु मिल जाए, आत्मा का बोध कराने में आपको परिपक्व कराने मिले, तो उतनी ही रुचि के साथ, उतने ही सम्मान के साथ, उतने ही आदर के साथ उस ज्ञान को क्या करें, हर्षित होकर के उसको ग्रहण करें। आगे बताया कि सम्यक को बढ़ाने के लिए क्या करना, विनय। विनय के 10 भेद बता दिए, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और स्थविर साधु। स्थविर मतलब अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के बारे में भगवान आपको बता रहे हैं। इन पांचों को क्या करना, वंदन करना। वंदन खाली काया से नहीं, भाव रूप से, तुम आत्मा और मैं आत्मा दोनों समान हूँ, आपके शरीर से आपने अपनी साधना को आगे बढ़ा दिया, इसलिए आपके शरीर को भी वंदना करता हूँ, और भाव रूप में सोहम, आप आत्मा और मैं आत्मा दोनों समान हैं। स्थविर में कौन से आ गए, वृद्ध भी आ गए, वृद्ध 60 साल के ऊपर वाले, और श्रुत स्थविर जिनको ज्ञान में स्थिर हैं, और दीक्षा स्थविर जिनको कम से कम 20 वर्ष की दीक्षा हो गई है, स्वयं स्थिर है और दूसरों को स्थिर करने में रहते हैं ऐसे स्थविर। साथ में बताया, कुल एक ही गुरु के जितने शिष्य हैं उन सबको वंदन करें। गण पूरे गच की, चतुर्विध संघ साधु साध्वी श्रावक श्राविका का विनय करे, साधर्मी की विनय करे और क्रियावान की विनय करे। इस प्रकार वंदना आदि करने से, विनय करने से आपके कर्म की निर्जरा होती है, यानी सम्यक्त आपकी
पोषण होती है, सम्यक तो आगे बढ़ती है, बाकी की चर्चा फिर यदा समय। ओम शांति। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का सांस कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, सत्य है आत्मा, शुद्ध है आत्मा। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो। आते जाते श्वास को जाने और देखे, अपने भीतर के चित्त की अवस्था को अकंप रखे। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तुम केवल आत्मा, सत्य यही है, अटल सत्य यही है, परम सत्य यही है, शाश्वत सत्य यही है। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए, सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सबसावनंग, धम्म मंगल मुखिता अहिंसा संयमो तमो देवावितंग, नमंग संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुखहर।